मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद और इस क्षेत्र के प्रभारी सम्मानीय गोपाल सिंह इटवा जी, अरे पद्मावत जी को मैं माला बना दूं, शेखावत साहब, हमारे विधायक सुखराम बिश्नोई जी, पूर्व विधायक बमदेव कुमावत जी, हाजी कयूम साहब, सचिन साकला जी, वाजिद जी, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय बाट साहब, हमारे क्षेत्र के सभी नेतागण, और आज मेरे सामने मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, आज 26 तारीख है, आज गणतंत्र दिवस है। मैं आप सब लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज का दिन इस देश के लिए एक पर्व है कि हर जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय का एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश में जो संविधान आज लागू हुआ है, इस देश की स्थापना उस संविधान के ऊपर हुई थी, उस संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और लोकतंत्र के शानदार पर्व पे 29 तारीख को मतदान होगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से आप लोगों को अपना सांसद चुनना है। स्वर्गीय सामलाल जाट साहब का देहांत हुआ, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है और उपचुनाव तो होना था और हो रहा है। 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब ने मिलकर रघु शर्मा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय सावनलाल जी के सुपुत्र रामस्वरूप जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी दोनों उम्मीदवार हमारे सामने हैं। सवाल ये नहीं है कि 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, 12 महीने के लिए कौन दिल्ली में लोकसभा के पे जाएगा। सवाल यह है कि दोनों पार्टी में से किस नेता को, किस उम्मीदवार को, किस नेतृत्व को, किस सोच को आप लोग बेहतर समझते हो। ये चुनाव राजस्थान की आने वाली राजनीति को दिशा देगा। ये चुनाव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है कि देवमाली के लोग, मसूदा के लोग, अजमेर के लोग किस पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। मैं आज आपके बीच में सारे काम छोड़कर, आज मुझे बागी तहसील के दौरे पर जाना था, तो मैंने रघु जी को कहा, मैंने कहा पंडित जी आप चालू करो कार्यक्रम, मैं देवमाली ढोक दे के आता हूँ, सब लोगों से राम राम कर लूंगा, मैं पिछली बार कार्यक्रम में आ नहीं सका था। साथियों, देवदरबार की हमेशा हम पर कृपा रही है, बहुत आशीर्वाद दिया है। आज मंदिर में फूल माला चढ़ाई, स्वर्गीय पालेख साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाई है और आप लोगों से आग्रह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 4 साल से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया हुआ है और लगातार 4 साल से आपकी, किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की हर समस्या से जूझने के लिए सरकार को ललकारने का काम हमने किया है और आज वो मौका आया है, आज वो मौका आया है जब सरकार हमको ललकार रही है। ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, ये चुनाव रामस्वरूप लामा जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव इस प्रदेश की तानाशाही सरकार लड़ रही है, यहाँ की मुख्यमंत्री लड़ रही है, यहाँ के मंत्री लड़ रहे हैं और हमको ललकार रहे हैं। आज मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आपने 5 साल सेवा का मौका दिया, मसूदा अजमेर के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपके बीच में हमने काम किया है, लेकिन आज मैं आप लोगों से आपका वोट मांगने के लिए आया हूं और आपको सचेत करने के लिए आया हूं। वोट एक बटन का नहीं है, वोट आपके जो मान सम्मान, प्यार मोहब्बत हम लोगों के लिए है उसका प्रतीक है। जो रिश्ता कायम हुआ है दशकों से, सालों से एक दूसरे के लिए, उसको आज इजहार करने का मौका मिलेगा। मुझे बताया कि सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदया भी यहां पर डोर देने आई थी, अच्छी बात है, चुनाव के समय ही सही, कम से कम आप लोगों को याद तो किया, आपके बीच हाजिर हुई। और मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति जो यहां पे सर झुकाता है उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए,
उसकी लंबी आयु हो, वो स्वस्थ रहे, मानसिक तनाव दूर रहे, उनको टेंशन नहीं हो, उनका परिवार फले फूले, उनको लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, ठाकुर वोट कोना मिले, वोट तो वहीं पड़ेगा। आज पूरे जिले में, अलवर में, मांडलगढ़ में आप लोगों की असीम कृपा से जबरदस्त आंधी कांग्रेस पार्टी की चल रही है। और मैं तो बोलते हुए बड़े बड़ा फक्र होता है, यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे मंत्री घूम रहे हैं, मोटे मोटे मंत्री, जानदार मुख्यमंत्री खंबा गाड़ना चाह रही है। लेकिन जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े खंबे उखड़ जाते हैं, कोई किसी के रोकने में नहीं आता। अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 29 तारीख को बहुत कोशिश होगी। मैं तो भाई अखबार में पढ़ता रहता हूं, मैं कभी केकड़ी में, कभी नसीराबाद में, कभी दूधू में, कभी पुष्कर में अखबार पढ़ता हूं कि फला मंत्री दौरे कर रहे हैं, फला मंत्री ने झोली फैलाई है, फला मंत्री बोलते हैं साहब समाज की बात है, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे तो हमको वोट दे दो। तो उनसे पूछना तुम चुनाव लड़ रहे हो क्या, वो भी नहीं लड़ रहे। वो भले आदमी जो भी 2-5 मंत्री यहां पर आए होंगे, सांसद विधायक भी आए होंगे, वो बापरे नौकरी कर रहे हैं। देखो उनकी नौकरी है कि जयपुर में महारानी टिकने नहीं देती, वो जयपुर जाते हैं तो लाठी मार के बोलती भाग सुधा जाओ, दे मान ले जाओ, वोट मांगो। यहाँ पे आते हैं तो जनता कपड़े फाड़ती है, बिजली नहीं, पानी नहीं, आत्महत्या और किसान कर रहे हैं, महिला का शोषण हो रहा है, बीज पूरे प्रदेश में महंगाई की मार है, पूरे राजस्थान में आज रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। अभी कांग्रेस के राज में 350 रुपए का गैस का सिलेंडर था कि नहीं था, आज कितने का गैस का सिलेंडर है? 750। उसका जवाब देने को मुख्यमंत्री मंत्री नहीं चाहते। 80 किसान कर्ज के बोझ में दब के मर गए, उनके परिजनों के आंसू पोंछने कोई गया? मुख्यमंत्री का एक ही काम है, जयपुर में बैठकर बजरी के ठेके, शराब के ठेके, खानों के ठेके, बाकी कोई जियो या मरो कोई मतलब नहीं है। रोज अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, गरीब पिट रहा है, दलित पिट रहा है, किसान पे लाठी चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ महलों में बैठ के किसका ताला बंद करूं, किसके बुलडोजर चलवा दूं, ये काम मुख्यमंत्री जी का है। और मुझे अचंभा इस बात का है कि जो महिला इतने सालों मुख्यमंत्री रही इस प्रदेश की, क्या मुंह लेके यहाँ पे समाज से वोट मांगने आती है? फलाने की बहू, फलाने की सास, फलाने की देवरानी, फलाने की जेठानी, फलाने की भाभी, फलाने की काकी, फलाने की मासी, ये रिश्ते आज इनको याद आ रहे हैं। जब आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में 72 लोगों को गोली से छल्ली कर दिया था, तब कहां की रिश्तेदारी? आज रिश्तेदारी का दुआई देती है, आज रिश्तेदारी याद आ रही है आपको। जब वोटों का टोटा पड़ गया, लाखों वोटों से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। और साथियों, 36 कौम के लोग, कोई भी एक जाति बिरादरी कोई चुनाव नहीं जीत सकती, चाहे सरपंच जी का हो, चाहे लोकसभा का हो। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मेहनत कश लोगों को, अगलों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, सबको समान सम्मान दिया है। और ये वो पार्टी है जो लोगों में जहर घोल कर दुश्मनी पैदा करती है, पानी मांगते हुए गोली चलाती है, आरक्षण मांगते हुए गोली चलाती है, बात करते हैं तो पुलिस पीछे लगा देती है। आज सरकार क्या कर रही है? नोटिस दे रही है, थाने में बुला रही है, दबाव दे रही है, लालच दे रही है। 18.5 लाख मतदाता इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं, किस किस को जेल में बंद करोगे आप? किस किस के ट्रांसफर करोगे? कितनों को खरीदोगे? कितनों पर लाठियां चलाओगे? ये होने वाला नहीं है। अजमेर लोकसभा का चुनाव इस बार जो होगा,
वो सच और झूठ की लड़ाई होगी, दमन करने वाले और संघर्ष करने वाले के बीच में लड़ाई होगी। और ये लड़ाई आपके भरोसे पे हम लड़ रहे हैं। आज मैं विशेष रूप से आपके बीच में आग्रह करने के लिए आया हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, कान खोल के सुनना। 4 साल जो संघर्ष हमने आपने किया है किसानों गरीबों के लिए, आज वो कसौटी का समय है। 29 तारीख को एक एक वोट हाथ के पंजे पे देना पड़ेगा आप लोगों को। और सुनो, अगर किसी को कोई संकोच है, कोई आशंका है, तो मुझे आज ही बता दो। आप में से कोई डरने वाला तो नहीं है? माताएं बहनें डरेंगे तो नहीं? लालच में तो कोई नहीं आएगा? और आप लोगों को तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। 29 तारीख की सुबह सुबह 29 तारीख को चूल्हा चाकी छोड़ के सुबह सुबह छोटा सा बटन लगाना है, बस। बाकी पूरी कबड्डी मैं खेलूंगा आपकी, आप चिंता छोड़ दें। अब बहुत उम्मीद हम लोगों को है आप लोगों से, किसान वर्ग के लोगों से, नौजवानों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से। 8 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बढ़त हमें मसूरा विधानसभा क्षेत्र से मिलनी चाहिए। और मेरे आग्रह को अगर आप स्वीकार करते हो, तो जितने भी खड़े बैठे हो, दोनों हाथ खड़े करके मेरे को विश्वास दिलाओ कि सारी वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाली है। अब साथियों सुनो, मैं कल प्रचार का आखिरी दिन है, कल अजमेर में रोड शो करेंगे, हम भी करेंगे, महारानी भी करेगी, पूरी सरकार लगेगी, मंत्री भी लगेंगे, लेकिन हमारे रिक्शा वाला, ठेली वाला, छोटा किसान, मजदूर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाड़ी वाले महारानी के साथ आएंगे। अब हार और जीत किसकी होगी तो परमपिता परमेश्वर तय करेगा, लेकिन आज वोट देने के बाद, देवदरबार में हाजिरी देने के बाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद, मेरा मन ये कहता है कि लाखों वोटों से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। मेरे आज 29 पंचायतों के दौरे फागी तहसील के दुदू में मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों के मुंह से वो जयकारा सुनना चाहता हूं ताकि मेरे कलेजा ठंडक पड़ जाए। कांग्रेस पार्टी, ये नारा तो मसूदा में नहीं पहुंचा, अजमेर कैसे पहुंचेगा? कांग्रेस पार्टी। और अब एक नारा लगाना है माता बहनों, पूरा गले की नस फाड़ के बोलना है, जयपुर तक वसुंधरा जी को पढ़ना चाहिए सुनाई, ठीक है? कांग्रेस पार्टी।